संविधान से है। और हमें क्या मिला भाई, स्वर्णों को तो भारत मिल गया, मुसलमानों को पाकिस्तान मिल गया, हमें क्या मिला? हमें तो ये आरक्षण ही मिला था बस। इसमें इन्हें 60 साल में दिक्कत होने लगी, 70 साल में। आपका सबसे बड़ा कोई ग्रंथ है, धर्म है या जो भी है, जो लोग यहाँ बैठे हैं कम से कम आप लोग समझ जाओ। एक बाबा साहब की फोटो लगा लो आप अपने घर में, जिसके घर में नहीं ना समझ, ये जो आप लोग बैठे हो ना यहाँ पर मुंह खोल गए, अगर रामराज होता ना गोड्डे तक तुम्हारा घूंघट होता। ये बाबा साहब अम्बेडकर की देन है कि महिलाओं को अधिकार मिले, ये सब कुछ बाबा साहब की देन है। अगर आप लोग कोई भी क्राइम करते हो तो कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी सजा है। पहले क्या होता था, हरिजन शब्द सुना होगा आपने, हम लोगों को हरिजन कहा जाता था। ये गांधी ने अपने बेटों को क्यों नहीं कहा हरिजन पहले? मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं क्योंकि हम लोग मिशनरी लोग हैं, मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूं। पहले क्या होता था, मंदिरों में एक सेविका छोड़ी जाती थी और वो भी इन शूद्रों की लड़की होती थी, और ये कंडीशन होती थी वो निवस्त्र होके मंदिर की सफाई करती थी, और रात को जो है ना वो मंदिर का पुजारी रंगरलिया मनाता था, और उससे जो बच्चे पैदा होते थे उनका नाम हरिजन रखते थे। ये चीजें होती थी हमारे साथ। इन लोगों ने इतना नंबर किया, मैं आपको बताऊं, आपको ना तो हाथ चलाने की जरूरत है ना पैर चलाने की जरूरत है, सिर्फ अपने दिमाग का इलाज करवा लो, है ना। अब आप एक बात, तो इस बार क्या हुआ, मेरी वाइफ ने करवा चौथ का व्रत रख लिया, मैं 3 दिन तक घर ही नहीं आया। मेरी माँ वही थी, मगर माई ने रोटी खाई नहीं खाई, नवली ने खा ली कल, माँ फिर मैं तो ठीक ठाक हूं। तो ये आडंबर है, इनकी दुकान चल रही है आपके त्योहारों से ना। अंदर तो ब्राह्मण बैठ के लूटता है, बाहर बढ़िया लूटता था। एक नाम